वैष्णव एमपी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त की अपडेट की बात करें तो शुक्रवार शाम मंदसौर में मिर्ची बाबा पहुंचे। जी हां, उन्होंने सीतामाऊ में एक गौशाला का निरीक्षण किया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा मिर्ची बाबा को सुरक्षा देने में असमर्थता जताई थी, जबकि मिर्ची बाबा ने मंदसौर में सुरक्षा की मांग की थी। इस पर कलेक्टर गौतम जी ने चिट्ठी लिखकर सुरक्षा देने से मना किया था। बाबा आग बबूला नजर आए। सीतामाऊ के दमाखेड़ी स्थित गौशाला में कुछ गाय मृत पाई गई तो बाबा आक्रोशित हो उठे। उन्होंने मौके से ही सरकार को श्राप दे डाला। इसके बाद मिर्ची बाबा मंदसौर पहुंचे। उन्होंने दूषित हो रही शिवना पर चुनरी चढ़ाई। देर शाम मिर्ची बाबा मंदसौर की गांधी चौराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार की तारीफ शिवराज सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किए। वहीं सीधी में पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर भी सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को एकजुट होने की जरूरत है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार इस अपडेट पाने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।